चेयरपर्सन साहिबा, आपको हम हमेशा डिप्टी स्पीकर साहिबा के नाम से ही बुलाते थे जब आप सिंध में डिप्टी स्पीकर साहिबा थी, और प्लीज टू सी हमारी खवातीन को उन सीट्स पे बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मुबारक अला सैयदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। क्योंकि मेरे भाई का नंबर है तो मैं एक मिनट के अंदर ही बात करता हूँ। चीमा साहब से हमेशा एहतराम का ताल्लुक रहा और मैं इनकी स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर रहा 13 से 18 के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। गुफ्तगू उन्होंने की, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, दो दफ़ा मेरा नाम लिया है, उन्होंने कहा कि सच बोलेंगे तो सच बोलना चाहिए। हमेशा मैंने बिल्कुल आपको देखा, आप इशूज़ पे स्टैंड लेते थे। खासकर मुझे वो वक्त याद है कि हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू जब था तो उसमें खान साहब की आपने सपोर्ट की, मेरी भी सपोर्ट की, आपने ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं आप। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको चीमा साहब दोष नहीं देता, आपकी पार्टी की पॉलिसी होगी, आपकी भी एक पार्टी है, आपके सीनियर हैं शुजात साहब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ पे मैं हमेशा शुजात साहब की और परवेज़ लाई साहब की फैमिली की बहुत ज़्यादा कदर करता था, कई दफ़ा उनके घर आना हुआ, उनसे मुलाकात हुई, कि जब ये हाथ देते हैं तगड़ा हाथ देते हैं दोस्ती में, अफसोस के साइफर वाले मामले पे पता नहीं कहाँ से इशारा आया कि आपको पीछा हटना पड़ा, आपका तरीका नहीं है, आपका तरीका नहीं है। मुझे, मैं हैरान हूँ, मुझे वो जगह याद है जहाँ मेरा दूसरा बड़ा भाई मक्सी साहब बैठे हैं और वहाँ से मेरे बड़े भाई चीमा साहब ने एक स्पीच की थी, चीमा साहब आपको याद होगा, और मैं और मुराद सईद एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन चीमा साहब ने मुराद और मेरे और शरियार भाई से ज्यादा खान साहब को सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था। वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस स्क्रीन पे वो स्पीच जो चीमा साहब ने खान साहब की सपोर्ट में की थी और उस स्क्रीन पे वो स्पीच जो आज खान साहब के खिलाफ की है, दोनों चलाएं और फिर फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है। थैंक यू। और आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत कम है, तो चीमा साहब ने कहा फिर सद एहतराम, क्योंकि जाती ताल्लुक तो है लेकिन पार्टी पॉलिसी से मजबूर थे, पता नहीं किधर से इशारा आ जाता है, इशारा नहीं तो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क किया है। इसलिए तो उस दिन मैंने कहा कि यहाँ फैसले करो यार, हमारे लीडरशिप है लेकिन आप भी लीडर्स हैं, अली मोहम्मद साहब लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सच्ची हक की बात किया करें। मेरी तरफ तो डिप्टी, तो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, आखिरी बात, सिर्फ दस पंद्रह सेकेंड। मुझे वो वक्त याद आता है और आज मैं चीमा साहब से एक्सपेक्ट करता हूं, बड़े भाई से, कि मैं सच बोल रहा हूं आप भी बोलें, अगर इस बात में झूठ है तो आप मुझे कहें, अल्लाह के सौ नामों के नीचे हैं, कि इमरान खान साहब ने 17 सितंबर 2018 को मैं काबीना का हिस्सा बना एज ए स्टेट मिनिस्टर, शहरयार भाई पीछे बैठे हैं, जरताज भी बैठी है हमारी बहन, वो भी इस काबीना का हिस्सा थी, वो मेरे थोड़े बाद काबीना का हिस्सा बनी। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, इमरान खान साहब की ये आखिरी बात बता के फिर मैं बैठता हूँ। मीटिंग खत्म हुई, एजेंडा क्लियर हुआ, खान साहब ने आजम खान साहब से पूछा, जो PS2 प्राइम मिनिस्टर थे, SPM, कि आजम साहब क्या एजेंडा क्लियर हो गया है? उन्होंने कहा जी सारा कुछ क्लियर हो गया है। मैंने कहा कि तमाम सरकारी लोग एवान से हाउस से चले जाएं, मैंने अपने वजीरों से कुछ बात करनी है। और जब वो चले गए, दरवाजे बंद हुए, सिर्फ हम रह गए और खान साहब रह गए, और मुझे वो बात खान साहब की ऐसी याद है जैसे मैं आपको देख रहा हूं अभी मैं बात कर रहा हूं, कि खान साहब ने ये कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान ने अपनी काबीना को कहा, और जिस शख्स फिर को इल्जाम लगा उसको हटाया, और सबसे नजदीक तरीन शख्स जो उनके कभी भी करीब, उससे ज्यादा करीब कोई नहीं था, जहांगीर खान तरीन को उन्होंने फिर इन्हीं इश्यूज की वजह से चीनी कमीशन रिपोर्ट की वजह से हटाया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए चीमा साहब सच बोलेगा, क्या खान साहब ने ये बात की थी कि नहीं की थी? बस बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। ठीक है, इनका माइक ऑन कर दे, लेकिन इसके बाद मैं नहीं किसी को इजाजत दूंगा। बहुत बिल्कुल सही बात किया उन्होंने, अली मोहम्मद खान ने, मेरा भाई है, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं उनसे, नेक आदमी, शरीफ आदमी है। मैं एक चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम बड़ी नेक नीति के साथ 2018 में बड़ी नेक नीति के साथ हमने हाथ बढ़ाया था इनकी तरफ कि शायद इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जिस स्पीच का ये जिक्र कर रहे हैं, खुदा के लिए वो चलवाएं और डेट के साथ चलवाएं कि किस तारीख को मैंने वो स्पीच की थी। वो शुरुआत में पहले एक दो माह की तकरीर थी और उसके बाद इन्होंने खुद गवाही दी है कि कैबिनेट की हर मीटिंग में हम स्टैंड लेते थे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि
आखिरी बात इन्होंने की कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई तमाम ब्यूरोक्रेट्स चले जाएं, सिर्फ मिनिस्टर्स रह गए, और मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा लेकिन मैं किसी को करप्शन की इजाजत नहीं दूंगा। बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने कहा था कोई वजीर करप्शन नहीं कर सकता सिवाय मेरे। आई एम द ओनली वन हु इज अलाउड टू बी इन्वॉल्वड। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे। हाँ बस देखें, अब ये सिलसिला चलेगा तो फिर हाँ मैं बिल्कुल अभी करती हूँ। हाँ आपका नाम अब फतेहउल्लाह साहब का कर लूँ फिर उसके बाद कर। ठीक है जनाब फतेहउल्लाह खान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Order in the house Order in the house نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں निश्चितों पे तशरीफ रखें। आप लोग बैठे। क्या करें?